नमस्कार, मेरा नाम शिव साजन है। आप देखना शुरू कर रहे हैं नेशनपुर। आप लोगों के फरमाइश पे फिर और एक बार एक पास्ता बनाने जा रहा हूँ, वो भी फिर मिलेट से लेके। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है मिलेट से, पुलाव सीखिए, राइस सीखिए, इडली सीखिए, डोसा सीखिए और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ सीखिए। क्यों ना आप थोड़ा हमको कॉन्टिनेंटल का रेसिपी बताइए, वो भी हेल्दी वे में। तो इसलिए मैं देरी ना करके आपके लिए आज ये रेसिपी प्रिपेयर किया हूँ। रागी पास्ता इन रेड सॉस हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होने वाला है। जाइए मत, चलिए बनाते हैं। स्किप मत करके देखना क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। फ्यू इंग्रेडिएंट्स से मैं यहाँ पे बनाया हूँ ये पास्ता। मैं जा रहा हूँ बनाने, लेकिन आपसे गुजारिश है अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि हमको हौसला मिलता रहे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यहाँ पे मिलेट से लेके बहुत सारा रेसिपी मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वारी होता है नीचे कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मैं जाता हूँ बनाने, आप भी जाइए सब्सक्राइब और लाइक करने। रागी पास्ता बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, पास्ता को बॉईल करेंगे। रागी पास्ता मिल जाते हैं ऑनलाइन में और मार्केट में भी अभी बहुत सारा अवेलेबल हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 100 ग्राम पास्ता लूँगा और इसको थोड़ा बॉईल कर दूँगा और थोड़ा सा ये जो वाटर में ऑयल ऐड कर दूँगा। ठीक है, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट इसको बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम में। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे पास्ता ऑलरेडी हो गया है। इसको ज़्यादा ओवर कुक मत करना, कम से कम 80% तक इसको कुक करना, बाकी जो कुक करेंगे हम फ्राई पैन में कुक हो जाएगा। तो इसको स्टेन कर लेते हैं। अभी इसको ठंडा करने रखते हैं पास्ता को, और ये जो पानी है इसको भी आप यूज कर सकते हैं ग्रेवी में। अभी क्या करना है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे टमाटर को ब्लांच करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे पानी गर्म कर दिया हूँ। टमाटर को ऐसे काट लेते हैं और यहाँ पे एक ऐसे थोड़े से काटते हैं। ठीक है, इसको पूरा नहीं काटेंगे, इसको ब्लांच करना है। तो टमाटर ऐसे ही कर लेते हैं, देख लीजिए और एक बार दिखा देता हूँ। इसको ऐसे कट लगाना है और मैं बाकी का यहाँ पे कट लगा के पहले से रखा था, तो इसको ऐसे ही ब्लांच करता हूँ अभी। ठीक है, ये 5 मिनट के अंदर हो जाता है। अभी देख लीजिए यहाँ पे ब्लांच हो गया है हमारा, इसको बॉईल नहीं करना है, ब्लांच करना है। ठीक है, अभी ये ब्लांच हो गया तो इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। अभी मैं इसको स्ट्रेन कर लेता हूँ, ये ठंडा होने दो। अभी ये ठंडा होगा उसके बाद इसका डी स्किन करेंगे। देखिए ये ठंडा हो गया है, अभी क्या करेंगे यहाँ पे इसका स्किन निकाल देंगे। इसका स्किन जो है इसको रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए इसका स्किन रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मेरा टमाटर का स्किन निकल गया है। तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, टमाटर का सॉस बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक फ्राई पैन लूँगा और थोड़ा से यहाँ पे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लूँगा और फिर इसमें ऐड करूँगा गार्लिक चॉप, यहाँ पे थोड़ा से ओनियन चॉप ऐड करूँगा। ठीक है, गार्लिक और ओनियन को फाइन चॉप करना है, बड़े बड़े चॉप मत करना। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा से सौते कर लेंगे। अभी जो टमाटर का प्यूरी बनाए हैं इसको स्टेन करके डालेंगे। अगर स्टेन नहीं करते हैं तो उसका जो सीड होता है वो फिर मुंह पे आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेन कर लिया हूँ, इसको छान लिया हूँ। अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा से पकाएंगे। ठीक है, धीमी आँच में इसको पकाएंगे 3 से 5 मिनट तक। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हिमालय सॉल्ट ऐड करेंगे और क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे और क्या ऐड करेंगे, इसमें हमारे पास है ऑरेगानो थोड़ा सा ऐड करेंगे और हमारे पास है पार्सले हो या सैलरी हो या वो भी कुछ भी नहीं है। लास्ट को आप क्या करना, धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं अगर नहीं है तो। ठीक है, अभी ये हमारा सॉस रेडी हो गया। अभी क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फ्राई पैन लेता हूँ और थोड़ा सा ऑयल लेता हूँ और थोड़ा सा बटर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे बटर मेल्ट हो जाएगा
और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा से गार्लिक चॉप, ठीक है, और क्या करेंगा, इसको सौते कर लूँगा, ठीक है। ज़्यादा इसको सौते मत करना, जस्ट सौते करना है। फिर इसमें ऐड कर देंगे हमारा कैप्सिकम और ओनियन, इसको भी क्या करेंगे, ज़्यादा सौते नहीं करेंगे, थोड़ा से खाली हल्का हाथों में सौते कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारा वेजिटेबल, हमारे पास है कैरट, बीन्स, कॉलीफ्लावर, जुगनी, ब्रोकली और ग्रीन पीस भी अगर आपके पास है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करके इसको क्या करूँगा, थोड़ा से सौते कर लूँगा और थोड़ा से इसको कुक होने के लिए 2-3 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूँगा। अभी देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा वेजिटेबल कुक हो गया है। और ज़्यादा मत पकाइए ताकि क्रंचीनेस चला जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पकाया। इसमें ऐड करेंगे हमारा रागी पास्ता और धीरे हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे फायर को पूरा स्लो करके, ठीक है। अभी हमारा फायर स्लो है। अभी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो टमाटर सॉस बनाए थे इसमें ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे, हमारे पास है टोफू, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे और थोड़ा से हिमालय सॉल्ट, हिमालय सॉल्ट टू टेस्ट, और थोड़ा से ब्लैक पेपर और थोड़ा से ओरिगानो, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे पार्सले, और ये जो हमारा पास्ता है हाई प्रोटीन हाई फाइबर रागी पास्ता हमारा बन के तैयार है, अच्छे से मिक्स हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको सर्व करेंगे, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे टोफू ग्रेट करके और पार्सले। देखिए हमारा रेडी हो गया हाई प्रोटीन हाई फाइबर रागी पास्ता, बन के तैयार है हमारा रागी पास्ता। मेरा ये कोशिश है कहीं ना कहीं आपके डाइट में मिलेट ऐड करना है। मैं मेरे कोशिश को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। कंटिन्यू रखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, आपका प्यार। प्यार कहाँ से आएगा, एक लाइक से आएगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिलेट का रेसिपी हम लोग शेयर करते हैं। और हाँ, अगर और भी रागी का रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। जय हिंद।